ठीक इसी प्रकार डिबेंचर को डिस्काउंट पे भी इशू किया जाता है, जब जो उनका अंकित मूल्य होता है उससे कम मूल्य पर हम उनको इशू करते हैं, तो वो जो दशा होती है वो डिस्काउंट पे इशू करना, बट्टे पर ऋण पत्रों को निर्गमित करना कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 100 रुपये का जो ऋण पत्र है उसको 80 रुपये में निर्गमित किया जाता है, तो डिफरेंस के जो अमाउंट है 20 रुपीज़, वो बट्टे की रकम या डिस्काउंट के अमाउंट कहलाती है। तो आइए देखते हैं कि जब ऋण पत्रों का निर्गमन डिस्काउंट पे किया जाता है, बट्टे पर किया जाता है, तो किस तरह की पंजी प्रविष्टि होती है। ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर करने पर, ऋण पत्रों का निर्गमन अगर बट्टे पर किया जाता है और अगर हम ये मान लें कि जो बट्टा है वो अलॉटमेंट यानी अबंटन के साथ दे है, तो यहां हमारी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एट डिस्काउंट। और रिसीव की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पर हम जो डिबेंचर की जो अमाउंट रहेगी उसमें से टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट जो रहेगा उसको काट कर केवल जो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर की जो एंट्री की गई है केवल उतनी ही अमाउंट की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। अब हम बात करें अवशिष्ट याचना यानी कि कॉल्स इन एरियर की, तो जिस प्रकार हमने अंशों की दशाओं में देखा कि अंशों पर मांगी गई राशि जब प्राप्त नहीं होती है तो उस कंडीशन में जो अप्राप्त राशि है वो अवशिष्ट याचना कहलाती है, कॉल्स इन एरियर कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य ये है कि अंशों की दशाओं में तो हमने जो कॉल्स इन एरियर जो रहते हैं शेयर्स जो हम मांगे लेकिन नहीं मिले उनको हम फॉरफिट कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हरण जैसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हो सकती है। जब हम ऋण पत्रों पे पैसा मांगते हैं और वो पैसा नहीं मिलता है तो वो पूरी की पूरी जो राशि होती है वो अवशिष्ट याचना में चली जाती है, और इसके लिए अलग से किसी प्रकार का कोई पृथक खाता बनाने की ज़रूरत ऋण पत्रों की दशा में नहीं पड़ती है। ये एक महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान में रखना है। साथ ही हमको ये भी देखना है कि अदत्त याचना पर जो ब्याज है, ब्याज के संबंध में जैसे कि हमने अंशों की दशाओं में देखा, पूर्व प्रावधान अगर है या पार्षद अंत नियम पार्षद सीमा नियम में किसी प्रकार का कोई प्रावधान है तब तो वो ब्याज दिया जाएगा, और अगर नहीं है किसी प्रकार का प्रावधान तो किसी प्रकार का ब्याज यहाँ पर अवशिष्ट याचना में नहीं लगाया जाएगा। डी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 1005% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, जिसमें 25 रुपए आवेदन पर, 35 रुपए आवंटन पर, 10 रुपए प्रीमियम सहित तथा शेष प्रथम व अंतिम मांग पर दिए थी। अंतिम मांग पर 20 ऋण पत्रों के अतिरिक्त सभी से राशियां प्राप्त हो गई, आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि अदत्त याचना है, मांगी गई है राशि लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमको पंजी प्रविष्टि करनी है, तो पहली एंट्री यहाँ पर हमारी हो जाएगी जबकि हम डिबेंचर से एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1000 शेयर 1000 शेयर है, एक शेयर जो है वो 25 रुपीज का है, तो 25,000 से इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट 25,000 से हम इस अमाउंट को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर अलॉटमेंट की ड्यू की हमारी एंट्री हो जाएगी क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है कि 10% प्रीमियम यानी 100 रुपीज का 10% यानी कि 10 रुपीज प्रीमियम है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पे हम डिबेंचर की जो अमाउंट है 25 रुपीज है क्योंकि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 35 जो है वो अलॉटमेंट की अमाउंट है लेकिन इसमें 10 रुपीज प्रीमियम है, यानी कि अगर दोनों को हम अलग अलग करते हैं तो अलॉटमेंट की एक्चुअल अमाउंट 25 है और 10 रुपीज प्रीमियम है, तो यहाँ पर हम 5% डिबेंचर में लिखेंगे 25,000 क्रेडिट साइड में यानी 25 रुपीज इंटू 1000 शेयर 25,000, 10 रुपीज प्रीमियम है यानी कि 1000 इंटू 10 10,000,
और टोटल जो अमाउंट आती है 35,000 वो 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 35,000 लिखेंगे। अब इसके ये ड्यू की एंट्री थी, अब ये पूरी की पूरी अमाउंट जब रिसीव होगी तो हमको बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि विद प्रीमियम ये रिसीव होती है, प्रीमियम एक प्रकार का लाभ है और जुड़ के वो मिलता है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 35,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बींग अलॉटमेंट प्रीमियम अमाउंट रिसीव, बींग अलॉटमेंट मनी विद प्रीमियम रिसीव। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो हमको प्रथम और अंतिम याचना पर प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट बिंग कॉल मनी ड्यू, और क्योंकि 50 रुपीज और बच जाते हैं यहाँ पर तो और क्योंकि 50 रुपीज और बच जाते हैं यहाँ पर तो 1000 शेयर्स पे 50 रुपीज यानी कि 50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और रिसीव की जब हम एंट्री करेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ड्यू तो 50,000 हुआ था लेकिन रिसीव करते समय 20 डिबेंचर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने ये जो कॉल है उसकी राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है, यानी कि टोटल जो है वो 50 रुपीज में से यानी कि टोटल जो है 1000 शेयर्स में से उसमें से केवल 980 शेयर्स पे ही जो उसमें से केवल 980 डिबेंचर्स में से ही अमाउंट जो है वो रिसीव हुई है। इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ पर बना सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर जो है वो 20 शेयर होल्डर्स पे है और 20 शेयर होल्डर्स पे 50 रुपीज के हिसाब से 1000 जो है कॉल्स इन एरियर है, तो अगर हम चाहें तो मनी रिसीव के लिए हम इसके पहले हमने जो एंट्री की है 50,000 माइनस 1000 49,000 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ लिखेंगे कि मनी रिसीव फ्रॉम रिमेनिंग शेयर होल्डर शेष ऋण पत्र धारियों से प्राप्त राशि, तो 1000 माइनस 20 क्योंकि 20 डिबेंचर होल्डर से जो डिबेंचर के जो अमाउंट थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वो नहीं मिल पा रही है, यानी केवल 980 डिबेंचर होल्डर से ही ये अमाउंट हमको रिसीव हो पा रही है, तो 980 इंटू 50 तो 49,000। यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और अमाउंट जो हम एंट्री करेंगे रिसीव वाली वो 49,000 ही लिखेंगे जैसा कि हमने वर्किंग नोट में बनाया है, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बींग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव ओनली ऑन 980 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹50 पर डिबेंचर, 980 ऋण पत्र धारियों से ₹50 प्रति ऋण पत्र की दर से प्रथम और अंतिम याचना की राशि प्राप्त की। पी के लिमिटेड ने ₹100 वाले 10,000 8% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए, ₹15 आवेदन पर, ₹35 आवंटन पर, ₹25 प्रथम याचना पर तथा शेष ₹20 अंतिम मांग पर दिए थे। 6,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, 700 ऋण पत्रों पर आवेदन तथा प्रथम एवं अंतिम मांग की राशि का भुगतान नहीं किया गया, अन्य सभी राशियां विधिवत प्राप्त हो गई, आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए। अब क्योंकि हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन जो है वो केवल 6,000 शेयर्स पर ही मिले हैं, तो दो तीन चीजें इसमें आती है कि एक तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें जो सब्सक्रिप्शन हुआ है शेयर्स का वो कम हुआ है, 10,000 के लिए हम इशू करना चाह रहे थे लेकिन एप्लीकेशन जो आए अभिदान जो आया वो कम के लिए आया, अल्प अभिदान जिसको हम बोलते हैं, केवल 6,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आए, केवल 6,000 डिबेंचर्स के लिए ही एप्लीकेशन आए। दूसरी बात, अलॉटमेंट में एक ऐसी कंडीशन बनी कि अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कुछ राशि मांगी गई और नहीं मिली, तो कॉल्स इन एरियर भी इसमें आएगा और साथ में डिस्काउंट भी है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है हमको। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और क्योंकि 6,000 शेयर्स पे डिबेंचर पे जो एप्लीकेशन मनी है वो 15 रुपीज है, तो 6,000 इंटू 15 यानी 90,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 6,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹15 इच, 6,000 ऋण पत्रों पर ₹15 प्रति ऋण पत्र के हिसाब से किधर से
एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव हुई। फिर इसके प्राप्त होने के बाद हम इसके ट्रांसफर की एंट्री करेंगे जब डिबेंचर अकाउंट में, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट 90,000। अब क्योंकि डिस्काउंट के बारे में यहाँ किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि एक्चुअल डिस्काउंट किस पे था, तो ऐसे कंडीशन पे ये जो डिस्काउंट है वो हम अलॉटमेंट पे देते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ जो अलॉटमेंट की अमाउंट है वो 35 रुपीज है। अब 5% इसमें बट्टे की अमाउंट दी गई है, यानी कि 100 रुपीज का 5% जो बट्टा है वो 5 रुपीज होगा, और अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वो हो जाएगी 35 रुपीज। तो 35 × 6,000 यानी 2,10,000 से हम अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और 5 रुपीज से 6,000 डिबेंचर्स को हम 30,000 से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, और टोटल जो है 2,40,000 से हम 6% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹50 पर डिबेंचर इंक्लूडिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5 पर डिबेंचर। अब क्योंकि डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अब हमको इसके रिसीव की एंट्री करनी है, और क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट था तो डिस्काउंट को हमको यहाँ पर नहीं लाना है, डिस्काउंट को हमको डिडक्ट करके लिखना है। तो यहाँ हमारी, और दूसरी बात एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो 700 डिबेंचर होल्डर हैं, ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दी, तो ओवरऑल हमको इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट की अमाउंट है, एक वर्किंग नोट हम बनाते हैं, यहाँ जो डिबेंचर की अमाउंट है अगर हम डिस्काउंट उसमें से लेस कर दें तो वो है 2,10,000। अब इसमें ये जो 2,10,000 है ये 6,000 शेयर होल्डर्स के लिए है, लेकिन रिसीव ड्यू तो हम कर देंगे, लेकिन रिसीव करते समय हमको ध्यान में रखना है कि 7,000 डिबेंचर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट की अमाउंट पे नहीं की, यानी कि 35 रुपीज जिन्होंने पे नहीं किया। तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि 700 शेयर्स पे 35 रुपीज के हिसाब से जो रुपए नहीं प्राप्त हुए वो है 24,500। तो 24,500 अभी भी कॉल्स इन एरियर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो ड्यू हुआ था मनी डिस्काउंट को डिडक्ट करके वो था 2,10,000, लेकिन इसमें से 24,500 नहीं मिले, यानी कि एक्चुअल रिसीव की जो अमाउंट है अलॉटमेंट की वो है 1,85,500। तो रिसीव में हम केवल 1,85,500 से इसकी एंट्री करेंगे। और अब फर्स्ट कॉल की एंट्री हम करेंगे 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और 6,000 शेयर्स पे 25 रुपीज फर्स्ट कॉल है, तो 6,000 × 25 1,50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और रिसीव की जब हम एंट्री करेंगे तो हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 700 डिबेंचर होल्डर से जो रिसीव की अमाउंट है वो नहीं मिली है, तो इसके लिए भी हम एक छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ पर तैयार कर लेंगे। वैसे हमको मिलना चाहिए था 1,50,000, लेकिन 700 डिबेंचर होल्डर्स थे जिनसे हमको 25 रुपीज जो फर्स्ट कॉल की मनी थी वो नहीं मिली है। तो 25 रुपीज 700 डिबेंचर होल्डर से नहीं मिले, यानी कि 17,500 हमको नहीं मिले। तो कुल मिलाकर जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो वहां पर हम जो अमाउंट लिखेंगे वो आएगी 1,32,500। तो यहाँ रिसीव की हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे 1,32,500, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव फ्रॉम 5,300 शेयर होल्डर्स ओनली। और फिर अब हम सेकेंड कॉल की एंट्री करेंगे तो सेम एंट्री होगी हमारी 8% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और 1,20,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि 6,000 डिबेंचर है और 20 रुपीज इच है, तो 1,20,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और रिसीव की एंट्री के लिए हमको यहाँ पर एक वर्किंग नोट फिर से बनाना होगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि टोटल हमको जो अमाउंट मिलनी चाहिए थी वो थी 1,20,000,
लेकिन यहाँ पर भी 700 डिबेंचर होल्डर्स जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने ये जो सेकेंड कॉल की अमाउंट थी 20 रुपीज वो नहीं दिया, यानी कि 14,000 रुपीज कॉल्स इन एरियर है जो हमको नहीं मिला है, तो 1,06,000 रुपीज ही हमको यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ हम जनरल एंट्री जो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वहाँ हम अमाउंट केवल 1,06,000 ही लिखेंगे और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बींग फाइनल कॉल मनी रिसीव। एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 1,006% ऋण पत्र 105 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए, इनका भुगतान इस प्रकार किया जाना था, 20 रुपए आवेदन पर, 30 रुपए आवंटन पर, 30 रुपए प्रथम याचना पर, 25 रुपए द्वितीय अंतिम याचना पर। ऋण पत्रों के निर्गमन की एक शर्त यह थी कि ऋण पत्रों की राशि इकट्ठी ऋण पत्रों के आवंटन की तिथि पर भुगतान की जा सकती है और ऐसी दशा में इस अग्रिम भुगतान की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा और इस ब्याज का भुगतान उस तिथि को किया जाएगा जबकि अंतिम याचना की राशि का भुगतान किया जाता है। 100 ऋण पत्रधारियों ने इसी शर्त के अनुसार ऋण पत्र की राशि का भुगतान आवंटन की तिथि पर ही कर दिया। निर्गमन और आवंटन की तिथि 1 जनवरी 2012 है, प्रथम याचना की तिथि 1 मार्च 2012 और द्वितीय एवं अंतिम याचना की तिथि 1 जून 2012 है। कंपनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। यहाँ पर क्योंकि हमको जो अब आवंटन पर अगर रकम प्राप्त होती है तो उस पर कुछ निश्चित दर से यानी कि 6% प्रतिवर्ष से ब्याज दिए जाने की शर्त कही गई है। फिलहाल अगर हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो नॉर्मल एंट्री यहाँ पर होगी जिसमें कि फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव ऑन 1000 डिबेंचर्स और 20,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि 1000 हमारे पास शेयर है और एप्लीकेशन पे 20 रुपीज पर शेयर दिया गया है तो 20,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और सेकेंड एंट्री हम करेंगे 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट ट्रांसफर की और ये जो 20,000 रिसीव हुए हैं वो पूरी के पूरे 20,000 की अमाउंट डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन मनी। थर्ड एंट्री हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री अब हमको करनी है, अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री करनी है और यहाँ पर बताया गया है कि 100 ऋण पत्रधारी ऐसे थे जिन्होंने ऋण पत्र की राशि में जो फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट दी जानी थी वो भी उन्होंने अलॉटमेंट के साथ दे दी तो यहाँ पर हमारी ड्यू की एंट्री हो जाएगी 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्योंकि प्रीमियम पर ये निर्गमन है और यहाँ पर जो प्रीमियम है वो 5 रुपए है क्योंकि एक जो डिबेंचर है वो 100 रुपए का है और 105 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किया गया है यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 100 माइनस 105 तो 5 रुपीज का जो डिफरेंस है वो ये मान लिया गया है कि प्रीमियम है और ये जो प्रीमियम है इसको हमको अलॉटमेंट के टाइम देना है तो ये हो जाएगा 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो टोटल यहाँ पर 30 रुपीज अलॉटमेंट की मनी दी हुई है जिसमें से हम ये मान लेंगे कि 25 रुपीज एक्चुअल अलॉटमेंट अमाउंट है क्योंकि 5 रुपीज इसमें प्रीमियम के इंक्लूड है तो 6% डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जो एंट्री करेंगे अमाउंट की वो हो जाएगी 1000 × 25 से और प्रीमियम जो है वो हमारा 1000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 5000 है और टोटल 30,000 हम 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब क्योंकि 30,000 यहाँ पर हमने ड्यू की कैलकुलेशन कर ली है लेकिन रिसीव में थोड़ा सा चेंजेस आएगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि 100 डिबेंचर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की जो अमाउंट थी वो पूरी की पूरी अलॉटमेंट के साथ ही पेमेंट कर दी तो यहाँ पर क्योंकि कॉल्स इन एडवांस की स्थिति बन रही है तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो यहाँ जब हम अमाउंट लिखेंगे तो हमको ध्यान में रखना है क्योंकि डिबेंचर अलॉटमेंट की अमाउंट तो हमने कैलकुलेट कर ली है 30,000 तो वो 30,000 ही आएगी लेकिन कॉल्स इन एडवांस हमको देखना है कि 30 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 25 रुपीज सेकेंड कॉल के भी हमको पहले से ही मिल चुके हैं तो कुल मिलाकर 55 रुपीज हमको 100 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मिल गए हैं
तो 100 × 55 यानी कि 5,500 जो है वो कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा और टोटल 35,500 ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट आ जाएगी। नरेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव विद एडवांस। नेक्स्ट, क्योंकि 1 मार्च को जो फर्स्ट कॉल की मनी है वो ड्यू हो रही है तो ड्यू की नॉर्मल एंट्री जो हम करते हैं वही एंट्री होगी यहाँ पर। 6% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, ये 1000 शेयर्स थे और 30 रुपीज पर शेयर जो है फर्स्ट कॉल की अमाउंट है तो 30,000 से हम इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे। यानी हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ड्यू की जो एंट्री है वो हम फुल अमाउंट से करेंगे, भले ही हमने उसकी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट में दे चुकी है लेकिन ड्यू हम पूरे से करेंगे और रिसीव के टाइम फिर हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए अब रिसीव की एंट्री करते हैं। तो जब रिसीव करेंगे तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अब क्योंकि हमने कॉल्स इन एडवांस वहां पे कर चुके हैं हम अलॉटमेंट के टाइम तो यहाँ पर हम उसको अब दोबारा पे नहीं करेंगे, इसलिए हम उसको वहां पे हमने क्रेडिट किया था यहाँ पर हम डेबिट करके उसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कॉल्स इन एडवांस है वो है 100 शेयर्स पे 30 रुपीज यानी कि 3000। फर्स्ट कॉल के लिए जो अमाउंट थी वो थी 3000 तो कॉल्स इन एडवांस में हम 3000 लिखेंगे। टोटल हमारी ड्यू के जो अमाउंट है वो 30,000 है जिसको कि हम 6% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और 30,000 में 3,000 क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया है अलॉटमेंट के टाइम तो अब यहाँ पर हम केवल 20,000 रुपीज बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। अब हमको सेकेंड कॉल की एंट्री करनी है तो सेकेंड कॉल की ड्यू की एंट्री नॉर्मल होगी और फुल अमाउंट से होगी तो ये एंट्री हो जाएगी 6% डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट और 1000 शेयर है हमारे पास, 25 रुपीज पर शेयर है तो टोटल 25,000 से एंट्री होगी ड्यू की। लेकिन रिसीव की एंट्री करते समय हमको ध्यान में रखना है कि रिसीव की एंट्री में हमने पहले से जो पे कर दिया है उसको हमको यहाँ पर डिडक्ट कर देना है तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट और नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब हमको यहाँ पे देखना है कि अमाउंट हम किस प्रकार से लिखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉल्स इन एडवांस कितना है। तो कॉल्स इन एडवांस है हमारा 100 शेयर्स पे 25 रुपीज यानी कि 2,500 रुपीज जो है वो कॉल्स इन एडवांस है जिसको कि हम यहाँ पे डेबिट साइड में अमाउंट में लिख देंगे और टोटल जो हमको मिलना चाहिए था सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे वो है 25,000 जिसको कि हम 26% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम लिख देंगे। और अब हम देखते हैं कि 25,000 में से 2,500 की अमाउंट ऐसी है जो ऑलरेडी हम अलॉटमेंट के टाइम पे कर चुके हैं तो अब हम उसको नहीं देंगे यानी तो वो अब हमको वो अमाउंट बैंक में नहीं जाएगी। अब हम केवल 5,000 माइनस 2,500 यानी कि 22,500 की अमाउंट यहाँ पर रिसीव करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट देने भी बोला था कि अगर कोई जो कॉल्स की जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ दे देता है तो उसको 6% पर एनएम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट के लिए हमको कैलकुलेशन करना है, एक वर्किंग नोट बनाना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट थी जो कि अलॉटमेंट के साथ मिली उस पर क्या इंटरेस्ट बनता है तो यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे और सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे कि वो अमाउंट जो हमको 1 मार्च को देनी चाहिए थी क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा कि फर्स्ट कॉल जो ड्यू होता है वो 1 मार्च को होता है वो हमने अलॉटमेंट के साथ यानी कि 1 जनवरी को दे दी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अमाउंट हमको 1 मार्च को देनी चाहिए थी वो अमाउंट हम 1 जनवरी को दे दे रहे हैं तो यहाँ पर पूरा जनवरी और पूरा फरवरी यानी कि 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हमको मिलेगा तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 3,000 रुपीज है इसकी अमाउंट और 6% हमको यहाँ पर मिलना है 2 मंथ के लिए और ईयरली कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो 30 रुपीज जो होगी वो इसकी इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार फाइनल कॉल अमाउंट के जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा, एक्चुअल हमको वो ड्यू होता है सेकेंड कॉल 1 जून को लेकिन हमने उसको पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ यानी कि 1 जनवरी को तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई 5 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है तो 5 मंथ का इंटरेस्ट हम 2,500 पर निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 2,500 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 100 × 12 तो 62 रुपीज 50 पैसे यहाँ पर इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट अगर हम निकालते हैं तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो जाता है
92 रुपीज 50 पैसे। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड।